है एनपीओ, और एनपीओ के अंदर सबसे मेन जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो सब्सक्रिप्शन निकालने में। अगर आपका सब्सक्रिप्शन गलत होता है तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी गलत हो जाएगा और साथ के साथ बैलेंस शीट भी गलत होगा, और इसकी वजह से आपके 6 मार्क्स पूरे के पूरे आपके इसमें 0 या फिर 1-2 नंबर ही मिल पाएगा। इसको हम सब्सक्रिप्शन को 2 पैटर्न से निकाल सकते हैं, एक अकाउंट के फॉर्म में और एक हम नॉर्मल कैलकुलेशन के फॉर्म में। कैलकुलेशन जब करते हैं तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक बनाया हुआ है वो एज पर एक्सपीरियंस, जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं उसमें इतने टाइप से सब्सक्रिप्शन पूछा गया है, और उसका हमें क्या वे में सॉल्यूशन करना चाहिए एक बार हम वो देखेंगे। बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमारा, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक इनकम का पार्ट होता है हमारा सब्सक्रिप्शन, उसके लिए मेन इनकम का सोर्स होता है एनजीओ के लिए। तो देखो मैंने इसमें क्या क्या बांटा है, व्हेन टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन, व्हेन ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन गिवन, व्हेन मेंबर एंड ईयर वाइज गिवन, व्हेन मेंबर गिवन, जब आपको मेंबर। तो हर एक किसी का पहले मैं हेडिंग समझाऊंगा, फिर इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम पहले सारा का सारा पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन, इसका मतलब मेरा क्या है कि आपको कुछ इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, और बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट एक तरीके से कैश अकाउंट ही है। और यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन टू साइड में, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड होगा और ये पेमेंट साइड होगा, और टू साइड में आपको कुछ बैलेंस बीडी के बाद सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, और सब्सक्रिप्शन आपको मान लेते हैं कि मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर लूंगा, मान लेते हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है यहाँ पे 1,10,000 रुपए। इसका मतलब है आपको ये टोटल गिवन है, इसके अंदर आपका इस साल का भी हो सकता है, इसमें आपका पिछले साल का भी हो सकता है, इसमें आपका अगले साल का भी हो सकता है। टोटल का मतलब ये हमारा इस साल का तो नहीं है, करंट ईयर का, जब कभी इस फॉर्मेट में गिवन हो सब्सक्रिप्शन 1,10,000, या आपको मेंशन हो अगर रिटर्न फॉर्म में होगा तो ये किस तरीके से मेंशन करेगा, ये मेंशन करेगा इस तरीके से, रिटर्न फॉर्म में होगा, बाय में नहीं लिख रहा मैं बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, या तो इस फॉर्मेट में होगा, अगर स्टेटमेंट हुआ तो ऐसे बोलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है इसका मतलब, ठीक है। अगर करंट ईयर का होगा तो करंट ईयर का देगा। तो पहला टॉपिक है मेरा व्हेन सब्सक्रिप्शन टोटल गिवन, दूसरा है ईयर वाइज। तो भाई ईयर वाइज में क्या होगा, ईयर वाइज में सब्सक्रिप्शन देने का तरीका अलग होगा, यहां पे सब्सक्रिप्शन इस तरीके से लिखेगा और 2010, 2011, 2012, यानी हर एक साल के आगे अपना एक अलग अलग सब्सक्रिप्शन होगा। तो पहले हम टोटल वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जब टोटल गिवन होगा तो करंट, तो व्हेन करंट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर भी सिचुएशन आएगा आपके पास। मान लेते हैं कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन है, टोटल गिवन के बाद आपको नीचे इसके ना रिसिप्ट एंड पेमेंट के एडजस्टमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन 20,000 आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000, ऐसे लिख देते हैं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। इसका मतलब है पिछले साल का हमारा सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपए बाकी है, ठीक है। नंबर टू, सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 5,000 रुपीज, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं आउटस्टैंडिंग, दो होते हैं आपके एडवांस के और दो होते हैं आउटस्टैंडिंग के। एडवांस वाले दो कौन से हैं, अगले साल का एडवांस और पिछले साल मिला था एडवांस। आउटस्टैंडिंग दो कौन सा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का आउटस्टैंडिंग। तो मैंने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे दिया, थर्ड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन एडवांस
गिवन इन लास्ट ईयर, सपोज 6,000 रुपीज, ठीक है। ये तीन पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसमें हम कोई बड़ी चीज ढूंढ भी नहीं सकते। ये तीन पॉइंट आपको सिंपल गिवन होगा। अब हमें जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को लेके। मान लेते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन ये 20,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये सारा का सारा मिल गया होगा। प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये 20,000 जो है ये हमें सारा मिल चुका है, और ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 20,000 में से कुछ हिस्सा हमें मिला है, पूरा नहीं मिला, इसमें से कुछ हिस्सा मिला, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसके अंदर। तो यानी 20,000 का सब्सक्रिप्शन सारा मिला या नहीं मिला वो हमें कैसे पता चले? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा तो अजम्पशन होता है कि ये पूरा का पूरा 20,000 हमें मिल चुका है। लेकिन अगर यहां पे हमें इंफॉर्मेशन गिवन होता है कि क्या करना है नहीं करना, तो इसका मतलब हमें जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना पार्ट मिला या नहीं मिला उससे हमें पता चलेगा। सपोज करो मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया लास्ट ईयर इंक्लूड, लास्ट ईयर इंक्लूड, सपोज करो मैंने लिखा यहां पे 15,000 रुपए। इससे पता है क्या पता चलता है कि जो 1,10,000 बाकी है ये टोटल तो हमें मिला है, लेकिन इसमें पिछले साल का सिर्फ और सिर्फ कितना मिला है? 15,000 रुपए मिला है। और पिछले साल का बाकी कितना था? यानी पिछले साल का अभी भी 5,000 रुपए लेना बाकी है, ये कंडीशन रहेगा। तो देखो यहां पे एग्जामिनर आपको समझना होगा, अगर मैं ये लाइन यहां से इरेज कर दूं तो इसका मतलब क्या अजम्पशन लेंगे कि ये 20,000 इसमें पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने डाला 7,000 रुपए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको फॉर्मेट देखना है और एडलिस्ट करना है, ठीक है। जैसे एडलिस्ट क्या करना है, टोटल सब्सक्रिप्शन आपने लिखना है। यहां पे दो पॉइंट ना आपको ऐड करना होता है, क्या? ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आना चाहिए बस आपको। और दो चीजें हमें लेस करना होता है, एक करना होता है क्लोजिंग एडवांस और एक होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये तो आप सबको पता है, जैसे आप क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं हम, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से हमने कुछ करा हुआ है। तो ये दोनों पार्ट यहां पे ऐड हो जाएगा और बाकी के दो पार्ट क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको यही याद होने से आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमें इस पॉइंट को भी समझना होगा। अब मैं क्वेश्चन को दो टाइप से डिफाइन करूंगा, एक मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर लिखा हुआ है। यहां पे भी बहुत मेन अगले क्वेश्चन में करेंगे। अब इसका अगर मेरे से पूछो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो मैंने स्टार बनाया, हमें दो पॉइंट को ही समझना, एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को। तो जो 1,10,000 है, क्या इसमें पूरा जुड़ा हुआ है ये? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दिया, तो मींस सारा का सारा क्या है? जुड़ा हुआ है। तो मैं इसका सॉल्यूशन अगर साइड में करूं आपके लिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,10,000, ठीक है। एड ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्या है हमारा? सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर लास्ट ईयर 6,000, और क्या ऐड करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि कितना है हमारा? 7,000 रुपए। इसके बाद माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग एडवांस जो कि क्या गिवन है? सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 5,000, और हम लेस क्या करेंगे? ओपनिंग एडवांस जो कि क्या गिवन है? 20,000। और सिर्फ हमें ये वाला सब्सक्रिप्शन जो कैलकुलेशन आएगा, इसका यूज पता है कहां करना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, प्लस 6,000 प्लस 7,000 और माइनस में 25,000, तो 98,000 आ गया। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिर्फ आपको इतना ही नहीं सीखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, साथ के साथ आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में किस इंफॉर्मेशन को ले जाएंगे। अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, किस साइड जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, इनकम है। ये वाला अमाउंट कहीं भी नहीं जाएगा,
ये वाला अमाउंट क्या बता सकते हैं आप कहाँ जाएगा? ओपनिंग एडवांस, ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो ये कहाँ जाएगा? सेकंड बताइए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये गया लाइबिलिटी साइड आपने बताया, और ये गया एसेट साइड, ठीक है ना? आपको ये भी याद रखना है क्योंकि बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और ये कहाँ जाएगा बताओ? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। सी एस का मतलब यहां क्लोजिंग है, बैलेंस शीट और लाइबिलिटी साइड। ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है ना? ये चला जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं था, कोई भी ट्विस्ट नहीं था, सिंपल सा एग्जांपल था। सब्सक्रिप्शन और सारे इंफॉर्मेशन हमें क्लियर एंड कट गिवन था यहां पे कि क्या क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है? इन दोनों पार्ट में क्या डिफरेंस है, मैं अभी करके दिखाऊंगा। पहले फर्स्ट आपको आंसर समझ में आया, ठीक है ना? फर्स्ट आंसर के बाद मैं इसमें थोड़ा सा और क्या चेंज कर सकता हूँ, नोटिंग मत करना, मैं आप सबको इमेज भेज दूंगा, आराम से नोटिंग कर लेना आप घर पे, ठीक है? ये मैं पूरा इमेज भेजूंगा अभी। तो मैं पहले जल्दी जल्दी सारा पूरा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं, उसके बाद जिसको नोटिंग करना होगा उसके लिए मैं भेज दूंगा घर पे, ठीक है? चलिए, हमने सिंपल वाले क्वेश्चन को तो देख लिया एक एग्जाम्पल लेके। सेकेंड मैं अब करूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सपोज करो मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 20,000 बट रिसीव 15,000। अगर ये वाला पॉइंट अफेक्टेड हुआ है तो उसके साथ साथ हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी अफेक्ट होगा। तो ये भी हमारा देखो आउटस्टैंडिंग है और ये भी आउटस्टैंडिंग, दोनों का आपस में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? जो लास्ट में आपको ये आउटस्टैंडिंग देगा, ये दो तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहले तो पिछले साल का बाकी कितना था हमारा, जिसमें से रिसीव 15 किया है, तो पिछले साल का अभी भी 5,000 रुपये बाकी है, जिसको हम बोल देते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है? अब क्वेश्चन रेज होता है, जो आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताया जा रहा है, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला जो स्टिल आउटस्टैंडिंग उसको जोड़ के बताया जा रहा है या फिर उसके अलावा बताया जा रहा है? यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे साथ। अब मैंने जो ये स्टिल आउटस्टैंडिंग निकाला, ये कौन से साल का? ये लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का है तो इसका मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि हमें मिलेगा नहीं, मिलना तो अब कंफर्म है कि मिलेगा भाई, इस साल ही मिलेगा हमें। तो अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अगर मैंने करंट ईयर लिखा है तो इसका मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है। अगर मैं लिख दूं सब्सक्रिप्शन और यहां पे फॉर करंट ईयर या फॉर द ईयर लिखा हो तो इसका मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन मैं बोलूं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, ये वर्ड मैं लगा दूं, तो इसका मतलब इस दिन तक का टोटल क्लोजिंग में बाकी है। अगर ये वर्ड होता है, या फिर मैं लिख दूं यहां पे टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये वर्ड लगा दिया मैंने, ठीक है? इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली अगर मैंने फॉर करंट ईयर लिखा है तो ये करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है, इसमें पिछले साल वाला 5,000 एडेड नहीं है। अगर मैंने लिखा है एज एट इस डेट तक का, या फिर मैंने लिखा है टोटल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो उसका बिल्कुल सेंस बदल जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये जो 7,000 है, इस 7,000 में पिछला भी 5,000 रुपये हमारा एडिड है। तो ऐसे सिचुएशन में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आप निकालोगे सर ये टोटल है यानी पिछला भी 5,000 है, तो हम इसमें से पिछले वाले 5,000 को माइनस करेंगे और हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या माना जाएगा? 2,000, ठीक है? तो यानी सेंटेंस एक ये अफेक्ट हुआ, उसके साथ हमें जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसको चेक करना है कि किस फॉर्म में गिवन है, वो हमें टोटल गिवन है या फिर हमें करंट ईयर का गिवन है। अगर टोटल गिवन है तो ये भी अफेक्टेड होगा, अगर करंट ईयर का गिवन है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अब देखो मेरे हिसाब से मैं दोनों का अगर एग्जाम्पल लूं, अगर मान लो मैं ये वाला पार्ट नहीं मानता, मैं इतने ही पार्ट को मानूं, तो इसका मतलब क्या था, इसमें कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारा सिर्फ करंट ईयर का है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आंसर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 1,10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन लिखिए, इसमें पिछले साल का ओपनिंग आउट्स एडवांस हम प्लस करेंगे जो कि 6,000 है, और आपका क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग, ये समस्या वाला पॉइंट है, आप ये वाला पॉइंट लेके अगर चलते हो करंट ईयर का, तो हम यहाँ 7,000 रुपये ऐड करेंगे, और क्लोजिंग एडवांस जो कि इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि क्या है हमारा 5,000 रुपये, ओपनिंग आउट स्टैंडिंग जितना पार्ट इसमें एडिड है उतना ही माइनस करो, और यहां अब मैं 20 माइनस नहीं करूंगा, 15 माइनस करूंगा, आंसर हमारा इस सिचुएशन में ये आएगा। मैं दोनों आंसर करके दिखाऊंगा अभी आपको, और फिर जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसको समझना है, और माइनस 20,000, तो 1,03,000 रुपए हमारा यहां पे आंसर आएगा। यहां तक समझ में आया आपको पॉइंट? लेकिन अगर आप, मैं बोलूं कि ये सेंटेंस आप मान के करो कि जो आपको लास्ट वाला सब्सक्रिप्शन 7,000 गिवन है ये टोटल है, तो आपका आंसर सेम नहीं रहेगा, आंसर चेंज हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या करना होगा, 1,10,000 ये माय ऐड ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो कि 6,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करिए, अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा 2,000 रुपए माना जाएगा, ना कि 7,000। डिफरेंस देखते जाना है, क्योंकि थोड़ी छोटी गलती आप एग्जाम में करोगे पूरा हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब जो हमारा एडवांस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस 15,000 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 98, एक पांच में से, एक तीन में से, नहीं 98 ही तो आएगा, 5,000 माइनस हो गया ना बस, ठीक है 98, क्लियर। अब देखते हैं मेरे हेडिंग पे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, व्हेन टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन, याद करो टोटल सब्सक्रिप्शन मतलब इस तरीके से गिवन होगा, व्हेन करंट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग गिवन, करंट ईयर का कौन सा आउटस्टैंडिंग गिवन होगा, टोटल, यानी एज एट लिखा होगा, तो बताओ ये वाला एग्जाम्पल है टोटल वाले का या ये वाला, दूसरे वाला, ये एग्जाम्पल हमारा टोटल वाले का है, समझ में आई आपको बात यहां पे। दूसरा, व्हेन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग गिवन, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है, और यहां पे लिखा है फॉर द, इसका एग्जांपल हमारा ये है, किसका, करंट ईयर वाले का, ठीक है ना, तो थोड़ा ये इसका ये एग्जांपल लिखा है मैंने, और इसका ये एग्जांपल लिखा है। तो इसी पॉइंट में मैंने तीन तरीके के क्वेश्चन बना दिए यहां पे। पहला था जब सब कुछ बिल्कुल क्लियर गिवन था, कोई पिछला बाकी नहीं था, पिछला जो भी था सारा मिल चुका है, तब तो सिंपल करना है आपने, लेकिन अगर पिछला बाकी हुआ स्टिल आउटस्टैंडिंग में, तो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा दो, कि कौन सा पार्ट इसके अंदर हमें कौन सा किस तरीके से करना है, वो डिपेंड करेगा आपका क्लोजिंग का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे। क्लोजिंग का स्टेटमेंट में हो सकता है पिछला जुड़ा हुआ हो, और हो सकता है पिछला हुआ जुड़ा हुआ ना भी हो, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज होगा वो मैंने आपको यहां दिखा दिया। फॉर द ईयर जब भी बोले तब समझ जाना सिर्फ करंट ईयर का, इसमें पिछला जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी अगर टोटल बोल दे या एज एट डेट या ऑन दैट डेट पे हमारा इतना बाकी है, तो हमेशा मान लेना कि ये टोटल वाला पार्ट हमारा है। तो हमारा फर्स्ट केस जो था सब्सक्रिप्शन का, इस तरीके से हो सकता है, ये खत्म हो गया, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है स्टूडेंट को। अब इसके अंदर ये भी पार्ट हो सकता है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, सॉरी एडवांस, लास्ट से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये भी पॉइंट हो सकता है, उसको लास्ट से लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा ना, तो उसको लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग की तरह से ट्रीट करना, और नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर का अगर एडवांस हुआ ना, तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस के जैसा ही ट्रीट करना है, उसमें कोई ऐसा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एड लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें किसी को डाउट बताइए आप, है क्या कोई डाउट? हाँ जी, बिल्कुल, हमारा 20 बाकी था जिसमें से 15 ही मिल चुका है, जो 15 मिला है वो इसमें जुड़ा हुआ है, स्टिल आउटस्टैंडिंग जो मिलना बाकी है, 15,000 माइनस किया, क्योंकि इसमें जितना हमारा जुड़ा होगा 1,10,000 में, सिर्फ वही पार्ट तो माइनस करेंगे, तो जुड़ा हुआ कितना है 15। अब मैं दूसरा एस्पेक्ट और भी लेता हूं, चलो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैलेंस शीट में ये कहां जाएगा ये तो पता ही है आपको,
अभी करा था हमने, ये कहां जाएगा बताओ क्लोजिंग में? ये 5,000, अब ये 15,000 बताना। अब मुझे इस वाले पॉइंट में बताना, ये करंट ईयर वाले में। अब मेरे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन कितने जाएगा एसेट साइड में? क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जाता है हमारा किस साइड जाता है, एसेट्स में या लाइबिलिटी में? तो कितना अमाउंट जाएगा, 7,000 जाएगा या फिर 12,000 रुपए जाएगा? आंसर इज 7,000। तो ये अब आप ध्यान देखना, इस वाले केस में, ये वाला जो केस किया हुआ है मैंने, क्या इसमें पिछले वाला जुड़ा हुआ है? ध्यान से सोचना, रिमाइंड करो, माइंड से कैलकुलेट करो, इस वाले केस में क्या पिछले वाला जुड़ा हुआ है 5,000? नहीं जुड़ा हुआ। क्या पिछले वाला 5,000 मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये 7 तो मैं एसेट्स में लिखूंगा ही लिखूंगा, और पुराने वाला 5 को भी स्टिल आउटस्टैंडिंग के नाम से लिख दूंगा। समझ में आई बात आपको? लेकिन अगर ये केस हुआ, अगर ये वाला केस हुआ, तो करंट ईयर का कितना है? 2,000, और 5,000 अब भी हम ऐड करेंगे, तो टोटल क्या हो गया? तो कई बार आप बैलेंस शीट में देखते हो स्टिल आउटस्टैंडिंग के केस में कि 7 है तो 7 ही आ गया, सर स्टिल आउटस्टैंडिंग तो एग्जामिनर ने लिया ही नहीं। और कई बार देखते हो सर ये 7,000 था उसके बाद भी ऐड कर दिया, तो वो ये वाला केस होता है जब 7,000 है और अलग से कितना ऐड किया, 5,000। अगर ये वाला केस हुआ हमारा जिसके अंदर फॉर द आपका टोटल गिवन है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है यही आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसमें पुराना जोड़ने की जरूरत नहीं है। पुराना कैसे जोड़ सकते हो? पहले करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करिए, जो कि आपने बताया 2,000 है। अब इसमें पिछले साल का 5,000 रुपए क्या करो, एड कर दो, फिर हम दिखा देंगे इसको। क्लियर? बताओ, किसी को डाउट है तो पूछिए। है किसी को डाउट? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? दो तरीके से हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा पार्ट होगा, व्हेन ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन गिवन। ध्यान देना आप, व्हेन, अब ध्यान देना आप, व्हेन ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन गिवन। सबसे पहले ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन गिवन किस तरीके से क्वेश्चन होगा और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी देखेंगे। जब ईयर वाइज आपको सब्सक्रिप्शन गिवन होगा तो किस तरीके से गिवन होगा उसके बाद में सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा एग्जामिनर के द्वारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां लिखा होगा सब्सक्रिप्शन। सपोज करो 2018 एंड 2019 और 2020, ये 3 साल का हमें डेटा प्रोवाइडेड होगा। मान लेते हैं ये 5,000, मान लेते हैं ये 70,000 और मान लेते हैं ये हमारा 8,000 रुपए, ठीक है। इसमें जो मिडल वाला होता है ना, नॉर्मली आपको या तो जिस डेट का रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है उसी डेट का ये करंट ईयर का होता है हमारा, ये सब्सक्रिप्शन जो है ये है हमारा करंट ईयर का, ये जो है हमारा ये होता है हमारा नेक्स्ट ईयर का, और ये सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन फिर से यहां पे डाउट ये क्रिएट होता है, सर ये लास्ट ईयर का 5,000 ही है या ज्यादा भी हो सकता है? ये लास्ट ईयर का जो 5,000 है ना, इसका मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, रिसिप्ट साइड में आ गया, इसका मीनिंग है कि 5,000 आपने रिसीव पिछले साल के किए हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पिछले साल का बाकी 5 था। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल का बाकी 8 रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है पिछले साल का बाकी 10 रहा हो, जिसमें से कितने मिल चुके हैं हमें, 5। ऐसे सिचुएशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा? यहां पे भी आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है। यहां पे दो पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे कि आपने अभी देखा क्लोजिंग का, यहां पे आपका जो फॉर्मेट बनेगा, इधर ध्यान दो बोर्ड पे आप, यहां जो फॉर्मेट बनेगा वो फॉर्मेट कैसे बनेगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहे कोई भी हो, फॉर्मेट इसका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, पहले वाले में क्या लिखा था, टोटल सब्सक्रिप्शन, यहां होगा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर हमें दो ही पॉइंट कवर करना है,
बेसिकली दो पॉइंट कौन सा, एक ओपनिंग एडवांस और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके अंदर एक हम ऐड, दोनों ही कौन से होंगे, ऐड वाले पॉइंट, इसमें लेस वाले से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है ना। यहां ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस और लेस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बस हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन निकलेगा ये गिवन होगा हमारा करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब मैं बात करूं अगर बैलेंस शीट में, तो एडजस्टमेंट में क्या है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सपोज करो मैंने यहां पे लिखा एडजस्टमेंट नंबर वन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 रुपीज 6,000। नंबर टू, सब्सक्रिप्शन एडवांस इन 2018 रुपीज 3,000। एडजस्टमेंट नंबर थ्री, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019 6,000 रुपीज। ये सेंटेंस गिवन है। अब आपको पहले वाला टॉपिक कितना समझ में आया है, यहां पे मैं पूछूंगा तो आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पे इसका सॉल्यूशन अगर मेरे से पूछोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले तो करंट ईयर का डेटा पिक करेंगे, करंट ईयर का डेटा है 70,000। इसके बाद ओपनिंग एडवांस लेना है। यहां पे ओपनिंग एडवांस क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन एडवांस इन 2018, मतलब पिछले साल ओपनिंग एडवांस है, ठीक है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। अगर पिछले साल का स्टिल वाला पार्ट आ जाए तो क्लोजिंग भी अफेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी। पिछले साल का टोटल हमने रिसीव 5,000 किया है, जबकि पिछले साल का बाकी क्या था, यानी 1,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। तो हमें यहां पे जो ऐड करना होता है वो सिर्फ इसी साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है। अब मुझे जो यहां लास्ट में 6,000 गिवन है, इस 6,000 में जो यहां का 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, रीजन क्योंकि यहां पे लिखा है फॉर द ईयर, इसी साल का है ये। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पे इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या ऐड करने वाले हैं, जो मेरा आंसर आएगा यहां पे 79,000। अब मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में लेके चलता हूं। चलो मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बना लेता हूं ताकि इजी हो जाए। ये मेरा बैलेंस शीट 2018 का है और ये बैलेंस शीट 2019 का है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मैं इस बैलेंस शीट में लिखूंगा सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में। बताओ अब मैं 5,000 लिखूं या 6,000, हमें 6,000 लिखना होगा। पिछले साल का कितना बाकी है हमें वो रिकॉर्ड करना होता है, कितना रिसीव हुआ उससे लेना देना नहीं होता। तो यहां पे हम 6,000 रिकॉर्ड करेंगे। 6,000 कौन से वाला, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का एडवांस कहां जाएगा बताओ बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन वो 3,000, एडवांस में कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2000, आपका पूरे ईयर एंडेड नहीं, फॉर द ईयर आपका कितना है 6,000। आउटस्टैंडिंग हमारा 6,000 है, तो मैंने एसेट्स में लिख दिया सब्सक्रिप्शन 6,000। क्या ये 6,000 है या इसके अलावा भी कुछ लिखना है, 1,000 रुपए और लिखना। पता है क्यों 1,000 और लिखना है, क्योंकि अभी 6,000 पिछला टोटल मिला नहीं है, 1,000 अभी भी बाकी है, जो कि मुझे उम्मीद है कि अभी नहीं मिला तो आगे नेक्स्ट में मिलेगा। तो यहां पे ऐड कर देंगे हम 1,000 रुपए, ठीक है। टोटल क्या हो गया, 7,000। अब ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में क्या लिखाएंगे बताओ, बताओ यहां क्या लिखे, 8,000 रुपए। ये पॉइंट समझ में आया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं,
मैं लिखूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ईयर एंडेड, ईयर एंडिंग ₹6,000। मेरा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ईयर एंडिंग का, फॉर द ईयर नहीं है, सिर्फ ईयर एंडिंग है, फॉर द ईयर नहीं है। यहां से यहां तक मैंने सेंटेंस पूरा चेंज किया है। तो ईयर एंडिंग, तो इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन जो ₹6,000 है ये हमारा टोटल है, ठीक है। ये वाला आंसर चेंज होगा या यही रहेगा? चेंज हो जाएगा। क्या चेंजेस आएगा यहां पे? जो सब्सक्रिप्शन 6,000 है ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? ये कितना होने वाला है हमारा? 5,000। तो इसका आंसर मैं अगर इस साइड लिखूं तो आंसर होगा पहले 7,000 और 3,000 और 5,000, यानी आंसर 70। कोई डाउट इसमें? अब बैलेंस शीट के अंदर बताना ओपनिंग एडवांस सेम, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सेम, क्लोजिंग एडवांस सेम। क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? अब कितना आएगा? 6,000। अब इस 6,000 को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप सब्सक्रिप्शन लिख दो 6,000, या फिर आप लिखो सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 5,000 और प्लस में स्टिल आउटस्टैंडिंग ₹1,000। समझ में आई आपको बात? तो इसके भी दो पार्ट हो गए, यानी अगर हमारा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो उससे हमारा क्लोजिंग अफेक्टेड होता है, अगर क्लोजिंग कौन सा गिवन हो? टोटल। अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं मिलता तो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अफेक्टेड नहीं होता। कब नहीं होता? जब आपको सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड आउटस्टैंडिंग गिवन हो, क्लोजिंग वाला तो अफेक्टेड नहीं होगा। समझ में आया यहां तक पॉइंट आपको? तो सबसे पहले हमारा पहले वाला केस, मैंने यहां पे दोनों केस कराए, तो जब मैं आपको पिक भेजूंगा तो आप दोनों केस का अलग अलग आंसर सॉल्यूशन नोट करोगे। तो व्हेन ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन गिवन, ईयर वाइज का मतलब इस तरीके से गिवन था, उसका सॉल्यूशन ये दो टाइप से हो सकता है, यानी जब टोटल गिवन होगा तो उसके अंदर भी दो टाइप है, जब ईयर वाइज गिवन होगा उसमें भी दो टाइप है। अब हम सेकेंड लास्ट देखेंगे, व्हेन मेंबर एंड ईयर वाइज बोथ गिवन, मेंबर भी गिवन हो और ईयर वाइज भी गिवन हो तो कैसे करेंगे हम? आपका जब मेंबर और ईयर वाइज या मेंबर और टोटल गिवन हो, दोनों हो सकता है, ईयर वाइज लिखा है, मेंबर और टोटल। अब ईयर वाइज और मेंबर में जब गिवन होगा, हमें दो ही पॉइंट को लेके सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना होता है, एक होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेके और एक होता है बैलेंस शीट, और तीसरा कोई पॉइंट नहीं है जहां हमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना होगा। तो जब आपका इस तरीके से गिवन हो, मेंबर भी गिवन हो और ईयर वाइज भी गिवन हो, तो एस किस टाइप से गिवन होगा? मान लेते हैं आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और यहां पे सब्सक्रिप्शन दे दिया उसने 2018, 2019 और 2020, 70,000, 6,000 और 8,000। मैंने नीचे लिखा टोटल मेंबर 500 टोटल मेंबर 800 एंड ईच पे ₹100, और इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 9,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एडवांस इन 2018 3,000। अब देखो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन क्या कहता है? आपको एक रिसिप्ट में पेमेंट दे दिया और आपको टोटल मेंबर दे देता है 800, और हर एक मेंबर कितना हमें देगा वो भी गिवन है, और साथ के साथ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 का 3,000 गिवन है। यहां पे हमें ओपनिंग
आउटस्टैंडिंग गिवन है और ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें नहीं गिवन। तो सबसे पहले फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 800 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 80,000 रुपीज और कुछ भी नहीं करना, लेकिन बैलेंस शीट में कैलकुलेशन का पार्ट आ जाएगा। अब मेरे पास दो बैलेंस शीट है सपोज करो, एक है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, ओपनिंग एडवांस, इनफैक्ट इन एडवांस का जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा था ये एडवांस आउटस्टैंडिंग, इसका भी कोई काम नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट मेंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। अब बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में बोलता है एक्सट्रैक्ट भी शो करो बैलेंस शीट में, तो कैसे शो करेंगे? सब्सक्रिप्शन गिवन होगा ओपनिंग का, ओपनिंग एडवांस जो कि हमें गिवन है 3,000 रुपीज, और यहां पे दिखाएंगे हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में, बताओ क्या दिखाएं, 6,000 या 9,000? 9,000 दिखाएंगे। कितना दिखाना है हमें? क्लोजिंग में एडवांस में कितना आएगा सब्सक्रिप्शन बताइए, यहां पे लाइबिलिटी में ये गिवन है हमारे 2020 का, वो होगा हमारा 8,000, ठीक है। क्लोजिंग यहां मेन प्रॉब्लम होगा आपको, सब्सक्रिप्शन यहां पे सबसे पहले चेक करेंगे यहां सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, पहले करंट ईयर का चेक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो चेक करके ऐड करोगे। तो यानी जब क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्रिप्शन लेके जाओगे तो दो बातों को ध्यान रखना है एसेट्स वाले में, एक तो करंट ईयर का चेक करना है आपने और एक पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसको चेक करके कैलकुलेट करोगे। पहले मैं करंट ईयर का चेक करता हूं, करंट ईयर यानी टोटल जो ये है इतना मिलना चाहिए हमें करंट ईयर में 80, जबकि रिसीव क्या हुआ है 70, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन एक तो 10,000 आएगा। दूसरा पॉइंट हमें चेक करना है क्या लास्ट ईयर का भी कुछ पेंडिंग है, लास्ट ईयर का कितना पेंडिंग है चेक करते हैं, 6,000 था लेकिन टोटल कितना था हमारा 9,000, तो अब हमारा स्टिल आउटस्टैंडिंग आएगा यहां पे 3,000, यानी यहां पे 13,000 आएगा, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट में, इसमें आपको समझना है बस, यानी सब कुछ सिंपल है, कुछ नहीं यहां पे कॉम्प्लिकेटेड है जब इस तरीके का डेटा गिवन हो आपको, बस हमें कहां सोचना पड़ेगा जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका जो एसेट साइड में लिखना है हमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वहां थोड़ा ध्यान देना है, दो बातें हमें ध्यान रखनी है, नंबर वन कि हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग, नंबर टू क्या पिछला भी कोई आउटस्टैंडिंग है तो यहां ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इसमें जुड़ा हुआ नहीं होगा, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जुड़ा हुआ होता था इस वाले एग्जाम्पल में, तो इसमें नहीं होगा, हमेशा इसमें अलग से ही देगा। तो ये वाला पॉइंट हमने, अब सेकंड पॉइंट ये हो सकता है, आपको मैंने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018 का आपको 9,000 दिया, मैं ऐसे भी बोल सकता था इसको पहले वाले इसको एडजस्टमेंट को मैं सब्सक्रिप्शन आउट स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 मान लो मैंने दिया 7,000, इसका मतलब क्या है बताइए, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 7,000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना 1,000 या 7,000, अमाउंट मैंने कुछ ऐसा रखा है जिसमें कंफ्यूजन होगा, जब स्टिल वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है बचा हुआ आउटस्टैंडिंग, अमाउंट क्या है, अमाउंट पे मत जाओ, जरूरी नहीं है कि पहले 6 था 7 दे दिया तो हमारा 6 मिल गया होगा 7 टोटल होगा, ऐसा नहीं, आप उसके सेंटेंस पे जाओ, अगर मैं यहां पे 2,000 लिखता ना आपका जवाब फटाफट आता मेरे पास कि सर ये 2,000 बाकी का बचा हुआ है 5-6 में से, लेकिन जैसे ही मैंने डिजिट थोड़ा चेंज करा आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा। तो यहां पे क्या बोलता है, स्टिल वर्ड आया ना तो इसका मतलब अभी भी 7,000 बाकी है, अभी भी 7,000 बाकी है। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ये कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो मेंबर ने मेरा सारा काम आसान कर दिया, बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डालेगा। अब बैलेंस शीट की बात करूं तो ओपनिंग आउट एडवांस में 3,000 ही रहेगा, यहां क्या आएगा सब्सक्रिप्शन में बताइए। अब मैं इसको जो नए वाला पॉइंट कर रहा हूं ये रेड मार्कर से लिख रहा हूं, जो न्यू एडजस्टमेंट है, यहां सब्सक्रिप्शन क्या आएगा बताइए,
7,000, 6,000 या 13,000, यहां पे आएगा। यहां पे हमें दिखाना होता है टोटल आउटस्टैंडिंग इस वाले पॉइंट पे। यहां पे बोला गया था सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 का टोटल बाकी 9,000 है, तो भाई मैंने इसमें ये वाला जोड़ा वोड़ा कुछ भी नहीं। यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी 7,000 है। देखो बाकी आपका यहां था 9,000 और अभी भी बाकी 7,000, दोनों सेंटेंस में बिल्कुल अलग फर्क है। इसका बाकी का मतलब सारा बाकी 9,000 ही था, इसका बाकी का मतलब जो पहले हम दे चुके हैं उसके बाद भी बाकी कितना है हमारा। तो इसका मतलब बैलेंस शीट के एसेट्स में 7,000 अभी और देने थे पिछले बार के, और 6 हो चुके, तो टोटल कितना रहा होगा 13,000। क्या इस एडवांस पे कोई फर्क पड़ेगा? एडवांस पे तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसके अंदर कोई आप ढूंढने की भी कोशिश मत करना। सिर्फ कहां फर्क पड़ता है? आउटस्टैंडिंग में। अब इस आउटस्टैंडिंग की बात करो, मैं रेड मार्कर से करता हूं। सब्सक्रिप्शन क्या आएगा बताओ? 10,000 तो ये, और प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखो आंसर हो गया चेंज, ठीक है, समझ में आई बात आपको? अगर मैं यहां पे, चलो एक और क्वेश्चन में सेम सेंटेंस है, यहां पे मैं 1,000 कर दूं तो आंसर सेम रहेगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्या आंसर पहले का जैसा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट के जैसा? ध्यान से देखो, अगर मैं 3,000 कर दूं तो पहले पॉइंट के जैसा आंसर रहेगा या बदल जाएगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। अगर मैंने 3,000 करा तो भाई 3,000 बाकी है, मिल कितना चुका है? 9,000 यहां बताया था मैंने, यानी ये क्वेश्चन और जो अब मैंने अभी लिखा है, दोनों क्वेश्चन क्या हो गया? सेम। बोलने का तरीका क्या हो गया? अलग। अब कुछ बच्चे सोच रहे पता नहीं कैसे अलग हो गया है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग 3,000 है ना, जैसे अभी आपने सीखा है वैसे अप्लाई कर लो। स्टिल आउटस्टैंडिंग 3,000 है, तो 3,000 और पुराना कितना टोटल करोगे स्टिल वाले में? 9, आ गया 9,000। इसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना बाकी अब भी है? 3, हो गया 13,000। अब लग रहा है पहले जैसा, ठीक है। तो इसके भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो आपको आउटस्टैंडिंग देता है ओपनिंग का, या तो टोटल देगा पिछले साल का, या पिछले साल का जितना रह गया है पेमेंट करने के बाद वो देगा। तो कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे उसका यहां पे मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट इसमें नहीं? क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। लास्ट पॉइंट है आपको, जब क्या गिवन होगा? मेंबर, सिर्फ मेंबर, और इसमें आपको ईयर वाइज गिवन नहीं होगा। ईयर वाइज वाला तो पार्ट यहीं पे हो गया। मेंबर के साथ साथ आपको एडजस्टमेंट दे सकता है, ठीक है ना? जब मेंबर गिवन होगा तो हमें दो पॉइंट के लिए सोचना होता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक, जैसे यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको नहीं देगा, सिंपली कह देगा एडजस्टमेंट में टोटल मेंबर 500 एंड ईच पे 100 रुपीज। एक ये इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट वन। एडजस्टमेंट नंबर टू पे ऊपर ध्यान देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर टू में क्या कहता है आपको? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या करंट ईयर रुपीस 2,000। एडजस्टमेंट थ्री लास्ट ईयर एडवांस रुपीस 1,000। एडजस्टमेंट फोर, बस दो एडजस्टमेंट मान लेते हैं और बाकी तो एडवांस वाला ही आउटस्टैंडिंग दोनों ही हो जाएगा, या फिर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के बाद फोर्थ मान लेते हैं। आउटस्टैंडिंग फोर लास्ट ईयर अब बताएं इसका ट्रीटमेंट। मैं एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊंगा,
नंबर दो मैं बनाऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट, नंबर तीन मैं बनाऊंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर ही देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आपका कोई ऐड कोई लेस नहीं करना, इंफॉर्मेशन सीधा हमें पुट करना है जहां जहां जाएगा। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल कितना बन रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाई साइड में हम लिख देंगे 50,000 रुपए सब्सक्रिप्शन। इसके बाद ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग। इसके बाद लास्ट ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर के एडवांस में चला जाएगा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा सब्सक्रिप्शन। बस सिंपल है, यानी जब सिर्फ आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन गिवन हो, कोई ऐड नहीं करना कोई लेस नहीं करना, सिंपली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर